एंड गाइस ये जो फिल्म है ना वो फिल्म नहीं है, लास्ट वाला जो सीन था ना भाई फिल्म में वो दिल पर यहाँ पर आकर लगा है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी बज रहा है सुबह के 6 और आजकल मैं जल्दी उठ जा रहा हूँ बिकॉज मटका जो है ना निकल गया है, मतलब जो पेट है ना वो मटके के जैसे निकल जा रहा है। तो आजकल मैं इसको अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फुल टू फुल कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उठने को तो उठ गया था मैं 5 बजे और काफी ज्यादा घुमा टहला और एक्सरसाइज किया और कभी से कर रहा हूँ। तो उस समय अंधेरा था ना तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था तो अंधेरे की वजह से। और अभी जाके लाइट हुई है, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रही है ना, और मस्त वाला सनराइज भाई सामने से निकल रहा है ऋषिकेश के पहाड़ों के बीच से, वो दिखाता हूँ आपको। वो रहा ऋषिकेश और मस्त ऊपर पहाड़ी से देखो आप क्या नजारा है, क्या मस्त व्यू है, देखा आपने। तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और ये वाला व्लॉग काफी टाइम के बाद मैं शूट कर रहा हूँ बिकॉज काफी ज्यादा टेंशन था। मतलब ए राजू मालूम है ना रे तेरे को अपन के खोपड़ी में कितना टेंशन है मालूम है ना रे। तो टेंशन में ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना तो उसमें क्या ब्लॉग बनता नहीं है यार। अगर आप नहीं खुश रहोगे तो दुनिया को क्या खुश करोगे, और कुछ बताने की कोशिश नहीं कर पाओगे तो क्या दुनिया समझेगा। तो उसमें बनाने से कोई मतलब नहीं है ना, तो ब्लॉग बनाओ तो फ्रेश माइंड से बनाओ। और हाँ इस वाले ब्लॉग का जो इंट्रो है ना वो मैं आज शूट कर रहा हूँ, मतलब 11 तारीख में शूट कर रहा हूँ। और जो आप 1.5-2 मिनट का वीडियो देखेंगे ना वो 2-3 दिन पहले का वीडियो है। ब्लॉग मैं बना रहा था उस समय, मतलब ज़्यादा मन नहीं कर रहा था तो कम्प्लीट नहीं कर पाया, 1.5-2 मिनट बनाकर ही छोड़ दिया था। तो आज शुरू करते हैं, कम्प्लीट इसको करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलो और फटाफट से दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अभी डंबल की जगह इस पत्थर को उठाते हैं, काफी भारी है भाई। तो पूरे आधा घंटा एक्सरसाइज किया, अब चलते हैं नीचे थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। तो नाश्ता पानी तो हो गया है और आज आकृति को स्कूल में जाना है, उसका एग्जाम है, चलें? चलो ना। अच्छा तो आज आकृति का एग्जाम है और इसको स्कूल लेकर जाना है एग्जाम दिलवाने, तो चलो चलते हैं। बाय 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 बाय। तो इन लोगों को स्कूल मैंने छोड़ दिया है, अब 12:30 बजे दोबारा आना है, एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो लेने आना है दोबारा, तो 12:30 बजे आएंगे, अभी चलते हैं घर। बॉक्सर बेटी बॉक्सर। तो लो जी भाई दोबारा से मैं स्कूल आ गया हूँ और आकृति बस आने वाली है। आकृति ये बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ? अच्छा हुआ। तो तुमको मिलते हैं 100 में 1000 नंबर, ओके? सुनो वहाँ पे लिखा है माउंट लिट्रा। हाँ वहाँ पर लिखा है, वो तुम्हारे स्कूल का नाम है ना। चलो अब घर चलते हैं। विसी दीदी कहाँ है? अब चलो घर चलते हैं। विसी दीदी कहाँ है? विसी दीदी को छोड़ दो, विसी दीदी पता नहीं कहाँ रह गई, उसको छोड़ देते हैं, घर चलते हैं, ठीक है? नहीं। कब तक इंतजार करेगी? नहीं छोड़ो, चलते हैं, चलो चलते हैं घर। तुम कहाँ थी जी? मैं भैया से पहले आ गई। कहाँ पर थी? तुमको वहाँ पर खोजा गया? मैं वहीं पर थी, मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी। कब से खोज रहे थे वहाँ पे? मैं आप लोगों को बहुत देर ढूंढी सुहानी, और मैं 5 मिनट 10 मिनट। तो उसके बाद भाग गई भाई, कार साथ में थी, स्कूटी में आई है। देखो छोटे लोग अपन बड़े लोग। चलो बॉक्सर आ जाओ, चलो अंदर चलो चलो, नहीं तो लॉक कर दूंगा तुमको भी। ओ भाई बड़ी जोर की भूख लगी है। खाने में क्या है? तो खाने में दाल चावल और सूखी सब्जी। मैं यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और बॉक्सर बहुत ध्यान से देख रहा है, देखो कैसा देख रहा है। हाँ भाई इतना ध्यान से क्या देख रहे हो, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लग रहा है ना मुझे बोल रहा है। तो भाई सभी का प्लान है द कश्मीर फाइल्स देखने का, तो हाँ चलो चलते हैं। एक्सीडेंट की बात सुनकर इतना चौंक क्यों गई? तो गाइस फिल्म देख लिया, काफी ज्यादा मस्त फिल्म है एंड यहाँ पर होली की तैयारी चल रही है। ये देखो मस्त वाला खुरमा बन रहा है, और भाई और क्या क्या बन रहा है अभी फिर। और दूसरा कुछ नहीं कल बनेगा। तो गाइस खुरमा बन रहा है, होली की तैयारी चल रही है और मस्त आकर खा लो, देखो बढ़िया सा एक एक दिन एक एक आइटम बनेगा। तो यहाँ पर होली की तैयारी चल रही है, होली वाला आइटम खाने वाला खुरमा, उसके बाद क्या क्या गुजिया और पुआ, तरह तरह बनेगा कि बनेगा वो दिखा लो। तो आज बन रहा है खुरमा
और कल बनेगा पता नहीं कौन, मीठा कुरमा। आज तीखा कुरमा, कल मीठा कुरमा और परसों कुछ नमक वाला खुरमा, देखते हैं क्या बनता है। बट आज बन रहा है मस्त वाला खुरमा। तो गाइस जब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, एक्चुअली इस फिल्म को फिल्म कहना गलत है, यह एक सच्ची घटना है जिसे देखकर लगता है कि डायरेक्टर ने यहां से अपनी आंखों से देखकर समझकर उस चीज को अनुभव कर लिखा है और यहां से निकाल कर आप लोगों के सामने रख दिया है। मतलब यार इसे देखकर लग रहा है ना कि उस चीज को अनुभव कर या लाइव देखकर उस चीज को लिखा गया है। अगर आप सच्चे दिल से देखेंगे, मन से देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा। मतलब एक ऐसी कहानी जो शायद ही कोई जानता हो, जो 30 साल पहले 32 साल पहले हुआ और इसके बारे में ना किसी को बताया गया, ना कभी कोई जाना, ना समझा और ना कभी समझने की कोशिश की। लास्ट वाला जो सीन था ना भाई फिल्म में, वो दिल पर यहाँ पर आकर लगा है। तो इसको पहली बार मतलब पढ़कर नहीं, आप देखकर समझेंगे कि कश्मीर में क्या हुआ था। तो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो। खा लो। और तुम बीच रोड में बैठे हुए हो, तुम्हारे बप्पा का रोड है, यहाँ बैठे हुए वो ठीक रोड के बीच में बैठे हुए वो। जब देखो तब रोड पे बैठ जाता है, वो भी ठीक बीच में। इसका सिर्फ एक ही इलाज है घर के अंदर लाने का, अभी मैं बताता हूँ। आजा आजा, देखो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। आजा ले, आजा आजा जल्दी आजा, आजा 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 आजा, देखो कैसा आया है। इसका भाई एक ही इलाज है, ये दिखा दो ना आ जाएगा अंदर। अच्छा तुम्हारा दोस्त भी आ गया साथ में, आजा आजा आजा, लो तुम भी खा लो। तो भाई अभी हम खेलने वाले एक गेम जिसका नाम तो पता नहीं है बट रूल पता है कि कैसे खेलते हैं, तो चलो खेलते हैं। तो इस गेम में कौआ उड़ चिड़िया उड़ वाला जो क्या कहते हैं उसको, तो इस गेम में कौआ उड़ चिड़िया उड़ हाथी उड़ करना है, तो चलो करते हैं। चलो कौआ उड़, मुर्गी उड़, हाथी उड़, बाज उड़, नहीं उड़ाई उड़ाई नहीं उड़ाई नहीं, तोता उड़, हवाई जहाज उड़, बकरी उड़, बॉक्सर उड़, मैं ही उड़ा दिया यार, 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 कौवा उड़। अब मैं ना जल्दी जल्दी बोलूंगा ठीक है। कौवा उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, पंख उड़, पंख उड़, तब पंख उड़ता नहीं है, पतंग उड़, एरोप्लेन उड़, हवाई जहाज उड़, बस उड़। अब हम खेलेंगे दूसरा गेम, चलो बताओ कौन सा गेम है। ये वाला गेम है कि एक क्रियॉन लेना है और बताना है कि ये कौन से हाथ पे है। मतलब अब आकृति स्टार्ट करें, हाँ। यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर आपकी चांस। ठीक है, देखने आखिर बता, देखता दिखने का सबको बता, जैसे तीनों बता देंगे तब आकृति बताएगी कौन सा। मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है बताना है, हाँ सबको बताना है। अरे जल्दी बता। अच्छा सबसे पहले छोटे, सबसे पहले मुझे बताना है तो किसी में नहीं है। गलत जवाब। तो अभी मेरी बारी है, अब देखते हैं कौन सही जवाब बता पाता है। ठीक है, ओम प्रीम प्राम भूम। बताओ किसमें है। चलो मैं बताती हूँ, इसमें है और मेरा कोई भी नहीं, किसी हाथ में नहीं है। नहीं चलो अभी देखते हैं। चीटिंग कर रहे हैं, कैसा चीटिंग कर रहे हैं। आप उसमें है जिसमें मौसी और आकृति बोली थी। चलो तो अभी दिखाते हैं किस हाथ में है। अरे सारे के सारे हार चुके हैं, तो इसी के साथ इस गेम का एंडिंग करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में कोई मजेदार गेम खेलेंगे, वो आप देखिएगा अगले ब्लॉग में। फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
आए 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 आए।